Hello, welcome to our classes. I am Dr. K.K. Mishra. आज इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू डेटा इंटरप्रिटेशन के क्रम में हम स्टेटमेंट और आर्गुमेंट पर बात करेंगे. स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पर भी काफ़ी क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं. प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्रम में सिलोजिज्म के लिए बात किया था. आज यहाँ पर हम समझेंगे कि स्टेटमेंट्स क्या हैं या आर्गुमेंट्स हम किसे कहते हैं, इस बात को हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम टैकल करें. जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि कई ऑप्शंस दिए हैं. नॉर्मली कोई भी आर्गुमेंट स्ट्रांग हो सकता है या वीक हो सकता है, दो तरीके से नॉर्मली होता है. तो कोई भी आर्गुमेंट क्या है इसके बारे में आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे ये हम टैकल करें, जिससे कि या क्या मेन पॉइंट्स हैं जिसको कि हम अपने दिमाग में रख सकते हैं और रख करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. आइए हम आगे बढ़ते हैं. आर्गुमेंट, अब आर्गुमेंट क्या है? यहां पर यह कहा जा रहा है दैट इट इज रिलेटेड टू अ फैक्ट गिवन बाय अ पर्सन इन द सपोर्ट और अपोज ऑफ अ स्टेटमेंट. इन ऑर्डर टू सपोर्ट और अपोज अ स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट हमें दिया है उसको ध्यान में रखते हुए आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं. अब सही बात तो एक आर्गुमेंट क्या है, तो आर्गुमेंट किसी भी व्यक्ति के द्वारा या उस सिचुएशन में वो एक फैक्ट बेस्ड होता है. अब वो हमें ये देखना है कि वो उसको अपोज करने के लिए है स्टेटमेंट को या सपोर्ट करने के लिए है. तो ये जो अपोजिशन या सपोर्टिंग की बात है उस स्टेटमेंट को लेकर के, उसमें कितने स्ट्रॉन्ग या यू कैन से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो फैक्ट फिगर बेस्ड दी है, अगर वो स्ट्रांग है तो हम कहेंगे कि वो आर्गुमेंट स्ट्रांग है. और अगर फैक्ट फिगर्स सही नहीं हैं या सम और एनी टाइप के या एम्बिग्विटी है, क्लैरिटी नहीं है, तो हम उसको वीक कहेंगे. जैसे कि यहां पर आर्गुमेंट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो स्ट्रांग आर्गुमेंट दैट इज टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल एंड रियल एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट. इट विल बी बैक्ड बाय बेसिक रीजंस एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू द स्टेटमेंट. Whereas an argument may be called as weak, अगर direct relationship या directly उस statement के बारे में नहीं बताया जा रहा है या it does not address all the points put forward in the given statement. A weak statement is of minor importance or may be related to trivial aspect of the statement. मतलब जो statement है उसके opposition या support में जो आर्गुमेंट दिया है वो हमें देखना कितना वो डायरेक्टली लिंक कर रहा है. अगर डायरेक्ट लिंक नहीं है इसका मतलब वो वीक है. अगर फैक्ट बेस्ड नहीं है जो कि स्टेटमेंट में दिया, इसका मतलब वो वीक है. इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम अपने दिमाग में रख सकते हैं. आइए आगे देखते हैं. जैसे फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी taken into consideration while choosing a strong argument. जैसे पहला है, a strong argument should give the realistic diagnosis of the situation described in the statement. मतलब ऐसा कोई argument है जो कि उसके realistic diagnosis उस situation की कर रहा हो. दूसरा, जहाँ पर deep analysis की बात हो, topic dealing with the statement. एक तो realistic diagnosis, deep analysis. Strong argument should relate with the statement and be supported up by the facts established or notions.
An argument which is based on universal truth is always strong. ये ध्यान में रखने की जरूरत है जहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात है. सो वो हमेशा स्ट्रांग होगा. वीक जैसा कि हम पहले बता रहे थे, आर्गुमेंट्स आर अगर एम्बिगुअस इन नेचर हैं तो वीक होंगे. वीक आर्गुमेंट्स आर टू सिंपल एंड समटाइम्स सुपरफ्लस इन नेचर. कंट्रेरी हो सकते हैं टू एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स. आर्गुमेंट्स आर दोज विच कंटेन द वर्ड्स ओनली डेफिनेटली बेस्ट अनटिल अनलेस विल बी. अगर ऐसे आर्गुमेंट्स दिए हैं जहाँ पर कि इनडेफिनिट इनफैक्ट टेंस की बात अगर हम करें नहीं है, या ऐसे शब्द आए बेस्ट अनटिल, तो वो वीक हो सकते हैं. वीक आर्गुमेंट्स आर दोज विच आर हाफ एक्सप्लेन्ड. तो अगर हम इन कुछ बातों को जो कि स्ट्रांग या वीक के फेवर में कहे जा रहे हैं कि हम कैसे पहचाने, अगर हमने अपने दिमाग में रखा है तो जरूर ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर वन. स्टेटमेंट है, शुड ऑल दोज हु आर कन्विक्टेड फॉर हीनियस क्राइम्स लाइक मर्डर और रेप बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट और डेथ पेनल्टी. आर्गुमेंट्स देखते हैं. नो, द डेथ पेनल्टी शुड बी गिवन ओनली इन वेरी रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस. नॉट सो, इट्स अ वीक स्टेटमेंट. टू, यस, दिस इज द ओनली वे टू पनिश सच पीपल हु टेक अदर्स लाइव्स और इंडल्ज इन ह्यूमन एक्टिविटीज. थर्ड, यस, सच सीवियर पनिशमेंट्स ओनली बी विल मेक पीपल रिफ्रेन फ्रॉम सच हीनियस एक्ट्स एंड सोसाइटी विल बी सेफर. फोर्थ, नो, दोज हु आर रिपेंटेंट फॉर द क्राइम दे कमिटेड शुड बी गिवन अ चांस टू इम्प्रूव एंड लीड अ नॉर्मल लाइफ. Third argument is strong, hence C is correct. Two, statement. Should all the profit-making public sector units be sold to private companies? One, yes, this will help the government to augment its resources for implementing the development programs. This is weak. Two, no, the private companies will not be able to run these units effectively. Also not strong. Third, there will be a significant improvement in the quality of services. Appears to be strong one. Fourth, no, there would not be job security for the employees at all the levels. In fact, third and fourth are strong. Hence, C is correct. Three, statement. Should all the youngsters below 21 years of age be disallowed from going to a beer bar? One, it is not correct to prevent matured youngsters above 18 years of age who can vote from having fun. Appears to be strong. Second, yes, the entry fee to such pubs should also be hiked. Weak. Kyunki bahuton ke paas paisa hota hai, kitna bhi wo pay kar sakte hain. Third, no, there is no such curb in Western countries. Also weak. Fourth, yes, this will help in preventing youngsters from getting into bad company and imbibing bad habits. First and fourth are strong, hence D is correct. Statement. Should the government ban all forms of protests including strikes and processions? Argument. One, yes, this is the only way to teach discipline to the employees. Weak. Two, the government cannot deprive its citizens of their basic rights. Strong. Third, yes, this is the only way to ensure maximum productivity without disruption of work. Second and third are strong. Fifth, statement. Should children be prevented completely from watching television? One, no, we get vital information regarding education through television. It's strong. Second, yes, it hampers the study of children. It could be, it is weak. Third, yes, young children are misguided by certain programs featuring sex and violence. Weak. Fourth, no, this is the only way to reduce, to educate the masses. Argument first is strong and B is correct. Sixth statement, should mercy death be legalized? That is, all those who are suffering from terminal diseases be allowed to end their lives
if they so desire. 1. No, nobody should be allowed to end his or her life at his or her will, as this goes against the basic tenets of humanity. Strong. 2. Yes, patients undergoing terrible suffering and having absolutely no chance of recovery should be liberated from suffering through mercy death. Also strong. 3. No, even mercy death is a sort of killing, and killing can never be legalized. All the arguments are strong, hence D is correct. 7. Should seniority be the only criterion for the promotion? 1. No, it would be an injustice to those juniors who are more deserving and suitable for higher positions than their senior counterparts. It is a strong statement. 2. Yes, otherwise senior employees do feel humiliated, weak. 3. Yes, senior employees are more experienced and must be rewarded for the same, weak. Hence, B is correct. 8. Statement. Should admission to all professional courses be made on the basis of past academic performance rather than through entrance tests? 1. This, yes, it will be beneficial for those candidates who are unable to bear the expenses of entrance tests. ये कोई strong statement argument तो नहीं है. 2. Yes, many deserving candidates securing high marks in qualifying academic examinations do not perform well on such entrance tests. 3. No, the standard of examinations and assessment conducted by different boards and universities are not comparable, and hence there is a need to conduct entrance tests to calibrate them on a common yardstick. Very strong statement. Only hence D is correct. 9. Statement. Should there be reservation of jobs in the organizations in the private sector, also in the public sector undertakings in India? 1. Yes, this should go. This should give more opportunities of development to the weaker sections of the society, and thus help reduce the gap between the affluent and the downtrodden in India. Appears to be a strong one. 2. No, the private sector does not get any government assistance, and therefore they should not be saddled with such policies. 3. No, nowhere else in the world such a practice is being followed. 4. No, the management of the private sector undertaking would not agree to such compulsions. Only first is strong is argument. Hence A is correct. 10. Statement. Should workers or employees be allowed to participate in the management of factories in India? 1. Yes, it is the present management theory. No, this is not so. Hence it is weak. 2. No, many workers are illiterate, and so their contributions will not be of any value. 3. Yes, employees owned companies generally have higher productivity. 4. No, employee union ownership drives up salaries and wages. 2nd and 3rd are strong. Statement. Should women be given equal opportunity in the matter of employment in every field? 1. Yes, they are equally capable. A strong statement. 2. No, they have to shoulder household responsibilities. Weak. 3rd. Yes, they should also go into the outside world. 3rd is also strong, hence 1st and 3rd are strong. 11. Statement. Should government established higher level institutes of technologies be privatized? 1. Yes, privatization will make these institutes financially healthy, competitive and quality conscious. 1 is strong. 2. Yes, privatization is the key of the new era. Can we survive without it? Question mark. No, it is weak. 3rd, no standard of education of these institutes will fall. In fact, only argument 1 is strong, hence C is correct. 13th statement. Are nuclear families better than joint families? 1. No, joint families ensure security and also reduce the burden of work. It appears to be strong. 2.
यस, न्यूक्लियर फैमिलीज एंश्योर ग्रेटर फ्रीडम, ये भी सही है, स्ट्रांग है, हैंस बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रांग, डी इज करेक्ट। 14 स्टेटमेंट शुड गवर्नमेंट स्टॉप स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। वन, यस, दिस मनी कैन बी यूटिलाइज फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। वी, नो, स्पोर्ट्स पर्सन्स विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड विल नॉट गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर। सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, हेंस बी इज करेक्ट। 15 स्टेटमेंट, शुड द रेलवेज इमिडिएटली स्टॉप इशूइंग फ्री पासेस टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज। वन, नो, द एम्प्लॉयज हैव द राइट टू ट्रेवल फ्री। सेकेंड, यस, दिस विल हेल्प रेलवेज टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी। नन ऑफ दीज इज स्ट्रॉन्ग, हेंस डी इज करेक्ट। 16 स्टेटमेंट, शुड देयर बी कंपल्सरी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ बोथ द मैन एंड द वुमन बिफोर दे मैरी ईच अदर। वन, नो, दिस इज एन इंट्रूजन टू द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हैंस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। वीक, यस, दिस विल सब्सटैंशली रिड्यूस द रिस्क ऑफ गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन विथ सीरियस एलमेंट्स। सेकेंड इज स्ट्रांग, हैंस बी इज करेक्ट। 17 शुड देयर बी अ बैन ऑन प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। वन, नो, इट इज एन एज ऑफ एडवर्टाइजिंग, अनलेस योर एडवर्टीजमेंट इज बेटर देन योर अदर कॉम्पिटिटर्स द प्रोडक्ट विल नॉट बी सोल्ड। स्ट्रांग। टू, द मनी स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट इज वेरी ह्यूज एंड इट इन्फ्लेट्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगेन इट इज स्ट्रांग, हेंस बोथ आर स्ट्रांग, बी डी इज करेक्ट। 18 शुड लग्जरी होटल्स बी बैन इन इंडिया। वन, यस, दे आर प्लेसेस फ्रॉम वेयर इंटरनेशनल क्रिमिनल्स ऑपरेट। वेरी वीक आर्गुमेंट। टू, नो, एफ्लुएंट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विल हैव नो प्लेस टू स्टे। सेकेंड आर्गुमेंट इज स्ट्रांग, हैंस बी इज करेक्ट। 19 शुड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बी प्रैक्टिस्ड। वन, नो, इट इज वेस्टफुल प्रैक्टिस। टू, यस, मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग are too expensive. A is correct, that argument one is strong. So this is all about this particular video tutorial. I hope that you have liked it, and if you have liked it, please do not forget to subscribe my YouTube channel R Classes and press the bell button and pass it on to others, those who are needy now and in the future. Thank you. Please like, share and subscribe. Thank you very much. Have a nice time. Best of